सीनिंग ऐसी थी, तो आई होप कि आप इंजॉय करेंगे। जी हमने अभी इनका इंटरव्यू किया भाईजान का, और इन्होंने माशाल्लाह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है। कराची पहुंचने से नेक्स्ट डे मामू की तरफ से चाय की दावत थी, तो शाह फैसल कॉलोनी में हम चल पड़े मामू की तरफ चाय की दावत पर, ताकि मामू से गपशप भी लगाई जाए और दावत भी एंजॉय की जाए। अब हम मामू के घर आ गए, अभी मामू आएंगे, उनकी एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे। तो मामू क्या हाल है आपका? क्या हाल है काशिफ साहब? अल्लाह का शुक्र आप बताया, ठीक ठाक है। मामू के घर पहुंच गए हम, यहाँ हम मामू की तरफ आए हैं जी। तो ये मेरी टी रेडी हो गई है, जो कि हाई टी है और बहुत ही कमाल किस्म के आइटम्स हैं। अगर आप देखें तो बहुत ही देखते ही मुँह में पानी पानी आ रहा है। और ये हमारा केक रहा, और इंटीरियर डिशेस, बिस्किट्स, स्नैक्स, फ्रूट। पुडिंग जब इस ग्लास पॉट से प्लेट में सर्व की जाती है तो इस तरह की फील आती है, बहुत ही खूबसूरत। ये चल रहा थी, ये सॉन्ग एंजॉय हो रहा। बेहतरीन चाय और थिएटर माहौल का म्यूज़िक एंजॉय करने के बाद मैं चल पड़ा अपनी अगली डेस्टिनेशन पर। शाहराह फैसल से होते हुए मैं पहुंच गया बहादुराबाद। ये लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि बहादुराबाद की मार्केट है, और यहाँ से अब मैंने अपने कज़न की तरफ पहुंचना है और फिर प्लान करना है डिनर का। कज़न की तरफ पहुंचने के बाद थोड़ा स्पोर्ट्स एंजॉय किया, और उसके बाद हमारा प्लान बना आउटडोर डाइनिंग का, तो हम बाहर निकल पड़े डिनर के लिए। तो हम शाहराह फैसल पे आ गए, और रात के 9 से 9:30 का टाइम है और काफ़ी ट्रैफिक है अभी भी शाहराह फैसल पे। और हम एक रेस्टोरेंट ट्राई कर चुके हैं जहाँ पे 45 मिनट्स का वेट टाइम था, तो हम चल पड़े अपनी एक और सिलेक्टेड डेस्टिनेशन पे, जो कि थी KB's रेस्टोरेंट। तो चलिए आपको वहाँ का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त सिटिंग इन्वायरमेंट है KB's रेस्टोरेंट पे। जा रहे हैं भाई साहब से बच के। बड़ी प्यारी लोकल फील है जी रेस्टोरेंट में। बड़ी अच्छी ऑप्शन है ऑर्डर करने के लिए। और हाँ जी, तो KB's रेस्टोरेंट आए हैं और ऑर्डर हमने प्लेस कर दिया है, अब डिनर करने का वेट कर रहे हैं। अब हमारा ऑर्डर पहुंचे और फिर हम डिनर पे अटैक करें। क्या कहना चाहेंगे आप, एंजॉय कर रहे हैं आप? बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ऑर्डर पहुँच गए फिश एंड कढ़ाही एंड टिक्के एंड कबाब आ गए हैं और हम अटैक करने लगे हैं। जी तो KB's का डिनर एंजॉय हो रहा है और डिनर करके वापस निकल रहे हैं। बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट है जो बैठने का फैमिली, एंड आप बड़े अच्छे इन्वायरमेंट में बैठ के बड़ा अच्छा खाना पीना एंजॉय कर सकते हैं। और बैक साइड पे जो है ये आप देख सकते हैं KB's नज़र आ रहा होगा, बड़ा मज़ा आया। बैक साइड पर आइसक्रीम भी है,
आप आइसक्रीम खाना चाहते हैं आप इंजॉय कर सकते हैं। जी तो आज केबी रेस्टोरेंट में खाना खाया है और बड़ा मज़ा आया है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मुझे यहाँ पे इनकी जो स्पेशल मिला वो अच्छी लगी है और मलाई रोटी के नाम से ऑफर किया हुआ था और इसके अलावा जो है वो टेस्ट बड़ी ज़बरदस्त बड़े कमाल थी और बड़ा अच्छा इन्वॉर्मेंट था बैठने का, रूप भी इनका सेटअप है और वैसे रोटी भी ग्राउंड इनके पास था अच्छा सेटअप है और आइसक्रीम जो है ज़बरदस्त है आप जो इन्जॉय कर रहे हैं भी आपको रेस्टोरेंट नज़र आएगा और इस साइड में भी और होटल थे, ये सामने वाला जो है ये बीच है फर्स्ट फ्लोर और फिर उसके बाद सेकेंड का कैमरा देखते बेहतरीन किस्म का डिनर एंजॉय करने के बाद हम दोबारा शाहराह फैसल पे आ गए वापस जाने के लिए। लेफ्ट साइड पे शाहराह फैसल का जो बड़ा मशहूर मैकडॉनल्ड्स है वो भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ से वापसी के बाद हम प्लान कर रहे थे कि और क्या एक्टिविटी हो सकती है। कज़न से मशवरा करने के बाद हमारा चाय पीने का प्रोग्राम बना और मेरे कज़न ने कहा कि कोयला चाय बड़ी मशहूर है तो क्यों ना वो ट्राई की जाए। तो चलिए आपके साथ उसका भी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। जी हमने अभी इनका इंटरव्यू किया भाईजान का और इन्होंने माशाल्लाह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है। तो आज हम ताज टी पॉइंट पे आए थे तो हमने कहा इनका इंटरव्यू करें और बैक साइड में माशाल्लाह कोयला चाय भी है और बड़ी बेहतरीन है, आप आएँ तो आएँ और इन्जॉय करें। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। ये जी ताज टी पॉइंट का फ्रंट व्यू है, साइड पे पार्किंग भी हो सकती है, बाइक पे आएँ या गाड़ी पे आएँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कोयला चाय पीने हम आए थे और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ताज टी पॉइंट पर कोयला चाय पी रहे हैं और बाकी बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट है और साथ में अगर आप रात के टाइम पे आएँ तो साथ मॉस्को लगा के आएँ ताकि मच्छरों से आप बचे रहें, मगर ये है कि टेस्ट बहुत कमाल है। तकरीबन हाफ चाय पी ली और हाफ चाय बड़ी टेस्टी है और बड़ा मज़ा आया। आई विल रिकमेंड कि जी आप लोग आएँ और आके यहाँ कोयला चाय पिए ताज टी पॉइंट से। ये जनाब ये वायरलेस के करीब है, वायरलेस ये जगह का नाम है तो उस वायरलेस की कह लेंगे। ये बैक साइड पे ट्रेन का ट्रैक भी नज़र आ रहा है, ट्रेन तो अभी नहीं गुजरी, हमने बड़ा वेट किया कि बैकग्राउंड में ट्रेन आ जाए मगर ट्रेन नहीं आई। तो बैक साइड पे ट्रेन का ट्रैक है और उसके पीछे फिर शाहराह फैसल है। इस पॉइंट पे आप आएँ तो एंजॉय करें और अगर रात के टाइम पर आएँ और टाइम थोड़ा सा मिले तो मॉस्को ज़रूर लगा के आएँ, अदरवाइज़ फिर आप पे अटैक हो सकता है मच्छरों का। ये जी कोयला चाय तैयार हो रही है ज़बरदस्त किस्म की और अगर देखें तो ये ताज टी पॉइंट है और अभी हम जिक्र कर रहे थे ट्रेन का और ये ट्रेन भी पहुंच गई है जिस कॉर्नर में हम बैठे थे, तो ट्रेन भी आ की आमद हो गई है जिसका हम वेट कर रहे थे जी। ये ऑल दो ये मालगाड़ी जा रही है तो यहाँ पे हम बैठे थे, हमने चाय इंजॉय की और ये यहाँ पे भी सिटिंग एरिया है बड़ा प्यारा सा और ये जी कोयला चाय रेडी हो रही है, बड़ी तारीफ सुनी और हमने वाकई इंजॉय भी की है, बड़ा बहुत टेस्टी चाय थी और ये भाईजान तैयार कर रहे हैं माशाल्लाह। जो है सुना है कि सर आपने तो अवार्ड भी हासिल किया हुआ है इसमें जिन्हें मामी जी और माशाल्लाह जिन्हें इस वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर अच्छा ठीक है। तो आप कराटे में माशाल्लाह जो अवार्ड आपने लिए कराटे में जो कराटे के अंदर जो अपना डेमो देते हैं उसके रिकॉर्ड पुशअप्स के रिकॉर्डेड डेमोज में ठीक ठीक है यानी माशाल्लाह जी। वो और मेरे कज़न है तो उन्होंने बताया तो मैंने कहा आज जाके उधर से चाय भी पीते हैं और आपका भी इंटरव्यू करते हैं थोड़ा सा और जी जो भी आएँ आप ज़रूर आएँ और कोयला चाय को इंजॉय करें और अंदर से हम आपको अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड के शॉट्स भी दिखाते हैं। थैंक यू जी। जी ये जिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सैयद ताज मोहम्मद साहब का नाम है और माशाल्लाह जो है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं इन द फील्ड ऑफ कराटे मार्शल आर्ट्स के अंदर और दूसरा अवार्ड उनका एक और भी लगा हुआ है वो भी आपको दिखाते हैं।
ये जी सेकंड अवार्ड भी इन्होंने अचीव किया हुआ है जिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड में सर्टिफिकेट। द मोस्ट पुशअप्स वन लेग भी अवार्ड है जो कि ये लगा हुआ है और एक ये रिकॉर्ड बना हुआ है इनका जी। तो आज डी ताज टी पॉइंट पे आके हमने सैयद ताज साहब से मुलाकात भी की, उनकी कोयला चाय भी ट्राई की और उनके वर्ल्ड रिकॉर्ड जो कि जिनीस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर पब्लिश्ड हैं वो भी आपके साथ शेयर किए। आप भी आएँ अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर आएँ और चाय इंजॉय करें। ये जी बड़ा अच्छा पॉइंट है फॉर फैमिलीज एज वेल एज इंडिविजुअल्स हु वांट टू एंजॉय कोयला चाय एंड टेस्ट।